अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हलीमा खान और आप देख रहे हैं हलीमा फूड एंड फ्लेवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम आपको कराने जा रहे हैं सैर ज़ियारत की। जी हाँ, ज़ियारत वैली जो कि बलूचिस्तान की सबसे खूबसूरत वैली है। ज़ियारत इज़ अ सिटी इन ज़ियारत डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ 130 किलोमीटर्स फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस क्वेटा। और आज हम आपको सैर करवाएंगे ज़ियारत के सबसे खूबसूरत मकाम जिजरी की। जिजरी वैली हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस बिकॉज इट लाइज इन द बेस ऑफ खलीफत माउंटेन। दिस माउंटेन इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ ज़ियारत एंड द सेकेंड हाइएस्ट ऑफ बलूचिस्तान, लोकेटेड इन सुलेमान माउंटेन रेंज। जिजरी इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ खलीफत पीक। जिजरी वैली प्रोवाइड लीडिंग रूट टू खलीफत पीक। द रूट ऑफ द वैली गोज इन टू द फॉरेस्ट अलॉन्ग ईस्टर्न एज ऑफ द खलीफत पीक। आफ्टर क्रॉसिंग द फॉरेस्ट टूवर्ड राइट डायरेक्शन, वन हैज टू इंटर अ नैरो स्लाइड विच एंड इन द शीट फॉल टू द राइट एंड द रॉक फॉल टू द लेफ्ट। जिजरी वैली एट अ डिस्टेंस अबाउट 12 किलोमीटर्स फ्रॉम ज़ियारत टाउन। इट इज़ लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 2,250 मीटर्स अबव सी लेवल। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साउथर्न एज ऑफ द ज़ियारत। इट इज़ मोस्टली माउंटेन एरिया विद द थिक जोनीफर फॉरेस्ट, वाइल्ड फ्लावर्स एंड मैनी हर्ब्स प्लांट। ज़ियारत वैली में इंटर होते ही आपको हर्ब की एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू का एहसास होता है। पहाड़ों पर वाकिया मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ जो कि होम्योपैथिक की अद्वियात में इस्तेमाल की जाती हैं, यहाँ पे कसीर तादाद में पाई जाती हैं। और ज़ियारत के जोनीफर के जंगलात एक ख़ास हैसियत रखते हैं और ये एशिया के दूसरे बड़े जोनीफर के जंगलात हैं। और जोनीफर के दरख्त की एक ख़ास बात यह है कि ये दरख्त साल में सिर्फ 1 इंच बढ़ता है। और ज़ियारत में की वादी में पाए जाने वाले ये जोनीफर के दरख्त तकरीबन 4,000 से 7,000 साल पुराने हैं और इनके तन्हे को देखकर आपको अंदाज़ा भी होता है कि ये दरख्त कितने कदीम होंगे। तो यहाँ पे पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की खुशबू जो है फ़िज़ा को हर वक्त महकाए रखती हैं। और जब हम पीक पे पहुंच जाते हैं जिजरी की, तो वहाँ का माहौल और वहाँ की आबो हवा टोटली ज़ियारत टाउन के आबो हवा से चेंज होती है, क्योंकि ये सतह समंदर से काफ़ी बुलंदी पर है। तो यहाँ पर जो है बादल बिल्कुल आपको छूते हुए गुज़रते हैं, और जब बादल आपको छू के गुज़रते हैं तो आपके चेहरे पे जो है वो नमी का एहसास भी आपको महसूस होता है। और ज़ियारत वैली में तकरीबन रोज़ाना ही बारिश होती है, और स्पेशली दोपहर 3 से 4 बजे के दौरान यहाँ पे बारिश होती है। तो चारों तरफ से झरने जैसे फूट पड़ते हैं और वादी जिस तरह से बिल्कुल धूल सी जाती है और हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। तो ज़ियारत का मौसम बहुत ही प्यारा है। अगर आपने ज़ियारत की वैली की सैर के लिए आना है और आपने जिजरी जाना है, तो सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पर आने के लिए मई से सितंबर के दरमियान है। इसके बाद ज़ियारत की वादी में बहुत शदीद सर्दी पड़ने लगती है और शदीद बर्फ़बारी भी होती है। तो यहाँ पर जिजरी में महकमा तहफ़ुज़ जंगलात का एक रेस्ट हाउस भी है, और अब तो यहाँ तफरी के लिए आने वाले सियाहों के लिए हट्स वग़ैरह भी बनाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं। और यहाँ पर आने वाले इन खूबसूरत मनाजिर में जो है खो जाते हैं।
इन पहाड़ों की एक और ख़ास बात भी है कि इन पहाड़ों में पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर भी पाया जाता है, और यहाँ के दिलफरेब मनाजिर जो हैं वो आपकी आंखों को बिल्कुल खीरा कर देते हैं, और यहाँ आके एक फ़र्क का एहसास जो है महसूस होता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। इसी के साथ हलीमा खान को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।